अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया। जी हां दोस्तों, हसन अली और शाहनवाज थानी और सरफराज अहमद का भी फैसला हो गया है कि आया इनको खिलाना भी है या नहीं। मुकम्मल तफसील देखें इस वीडियो में। प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया, उसमें कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और किस को आउट कर दिया गया, आइए देख लेते हैं। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो बराए मेहरबानी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन जरूर इनेबल कर दें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ओपनर्स की बात करें तो पहले टेस्ट मैच के लिए ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक करेंगे और इनके साथ दूसरे बल्लेबाज होंगे इमामुल हक और नंबर 3 पे ईशान मसूद को रखा गया है इस प्लेइंग 11 में और नंबर 4 पे बैटिंग के लिए आएंगे बाबर आजम और नंबर 5 पे सऊद शकील और नंबर 6 पे खुशी की बात है सरफराज अहमद को मौका दिया गया है। अब देखना यह है किस तरह खेलते हैं। और नंबर 7 पे सलमान अली आगा और नंबर 8 पे नोमान अली को मौका दिया गया और नंबर 9 पे मोहम्मद वसीम जूनियर खेलेंगे और नंबर 10 पे मीर हमजा जो कि पहली मरतबा टेस्ट टीम में शामिल हुए। अब देखना है नंबर 11 पे अबरार अहमद को शामिल किया गया है। तो आप देख लें शाहनवाज थानी और हसन अली शामिल।